A very good morning, students. In today's class, we will be discussing diagonal backward difference table. Before that, let us discuss about the introduction of backward differences. In last class, we have discussed that backward of f of x is f of x minus f of x minus h. Okay? ये हमने discuss करा था. Backward means one step backward. अब डिफरेंस क्या होगा हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड में. लेट इट बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड में. ये फॉरवर्ड एंड दिस इज बैकवर्ड. लेट इट बी क्या डिफरेंस होगा. फॉरवर्ड में क्या होता था, जो हम डायगनल डिफरेंस टेबल बनाते थे उसकी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता था, मतलब ए वाई ऑफ ए डेल्टा ऑफ फॉरवर्ड ऑफ वाई ऑफ ए डेल स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ ए फॉरवर्ड एंड सो ऑन, जहाँ तक हमारा डिफरेंस टेबल जाता था वो क्या बन जाते थे, लीडिंग टर्म एंड वाई ऑफ ए क्या बनता था, लीडिंग टर्म, और बाकी सब क्या बनते थे, लीडिंग डिफरेंसेस. ठीक है, बाकी सब क्या बनते थे, लीडिंग डिफरेंसेस. बैकवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, लेट इट बी लास्ट आर्ग्यूमेंट हमारा ए प्लस एन एच. तो बैकवर्ड मीन्स पीछे से शुरू होना. पीछे से शुरू होना मीन्स जो हमारे पास वाई ऑफ ए प्लस एन एच है. ठीक है, बैकवर्ड को हम डिनोट करते हैं इससे. तो बैकवर्ड ऑफ ए प्लस एन एच डेल स्क्वायर दैट इज सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस एंड सो ऑन. आर ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग टर्म, और बाकी सबको क्या कह देते हैं हम, लीडिंग डिफरेंसेस. ठीक है, अब हमें इतना पता है ना, बैकवर्ड का फॉर्मूला ये है और फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या है, दिस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. अब देखो, हो तो यही रहा है कि जो आगे वाला आर्ग्यूमेंट है उसको प्रीवियस वाले आर्ग्यूमेंट से माइनस करा हुआ है, इसमें भी वही करा हुआ है. बस डिफरेंस ये रहेगा कि जब आप बैकवर्ड करोगे तो पीछे से माइनस करोगे. पीछे से माइनस मीन्स ऐसे, जैसे वाई फोर को वाई थ्री से, वाई थ्री को वाई टू से, वाई टू को वाई वन से एंड वाई वन को वाई नॉट से, वाई जीरो से. ठीक है, अगर आपके पास फॉरवर्ड है तो क्या करोगे, वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई टू एंड वाई फोर माइनस वाई थ्री. आएगा सेम ही, यहाँ पर आएंगी टर्म सेम ही. अगर आप पीछे से शुरू करते हो तो बैकवर्ड वाला सिंबल आ जाएगा, अगर आप आगे वाली टर्म से शुरू करते हो तो आपके पास फॉरवर्ड वाला डिफरेंस आ जाएगा. इज इट राइट. लेट अस डिस्कस नाउ द डायगनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. लेट अस डिस्कस दिस नाउ. लेट 0, 1, 2, 3, 4 बी द आर्ग्यूमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली एंट्रीज आर. इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो क्या हैं, y नॉट, y वन, y टू, y थ्री एंड y फोर. अब डायगनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है तो हम पीछे से शुरू करेंगे. दैट इज वाई फोर माइनस वाई थ्री, वाई थ्री माइनस वाई टू माइनस वाई वन एंड वाई वन माइनस वाई नॉट. अब इतना भी हमें पता है कि बैकवर्ड डिफरेंस में ये होता है ना, वाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाई ऑफ ए माइनस वाई ऑफ ए माइनस एच. यही है. अब यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 है, मतलब एच बी द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. और यहाँ पर हमारे पास एच क्या है, इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, इतनी बात समझ आए. अब लेट इट बी ए की वैल्यू मैंने क्या ली, 1. तो डेल्टा वाई वन क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस वन माइनस वन दैट इज वाई वन माइनस वाई नॉट. तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई वन इज वाई वन माइनस वाई नॉट. ठीक है, तो वही लिखा हुआ, वाई वन माइनस वाई नॉट इज बैकवर्ड ऑफ वाई वन. सिमिलरली यहाँ वाई वन था, पहले वाई वन था तो बैकवर्ड वाई वन आया, वाई टू माइनस वाई वन को बैकवर्ड ऑफ वाई टू, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई टू एंड सो ऑन कर सकते हैं. इसी तरह से फिर से बैकवर्ड से स्टार्ट होंगे, वाई
बैकवर्ड ओवर 54 माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब पीछे से स्टार्ट होना है, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। उसके बाद फिर से डेल स्क्वायर वाई फोर माइनस डेल स्क्वायर ऑफ वाई थ्री, डेल स्क्वायर वाई थ्री माइनस डेल स्क्वायर ऑफ वाई टू। उसके बाद डेल स्क्वायर डेल क्यूब ऑफ वाई फोर माइनस डेल क्यूब ऑफ वाई थ्री, ये आया। तो यहाँ पर थ्री है ना, तो आगे क्या आ जाएगा, फोर, और ये वाला आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, एंट्री आ जाएगी। इज इट राइट, समझ आया इतना? अब आप यहाँ पर लिखोगे हेयर हेयर बैकवर्ड ऑफ वाई फोर डेल स्क्वायर ऑफ वाई फोर डेल क्यूब ऑफ वाई फोर एंड डेल फोर ऑफ वाई फोर आर लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस। इज इट राइट टिल नाउ? लेट अस डिस्कस एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल, कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस। अब इन्होंने मेंशन नहीं करा कि कौन सा टेबल डिस्कस करना है, तो हम कैसे देखेंगे? लेट अस सी, फाइंड द सेवेंथ एंड एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अब सेवेंथ एंड एट्थ टर्म है तो मतलब आर्ग्यूमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होंगे ना, 8 होंगे, तभी सेवेंथ और एट्थ टर्म है। अब देखो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, x की वैल्यू हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या दे रखी है हमें, 0, 0, 2, 6, 0, 0, 2, 6। तो यहाँ पर एफ ओ एक्स क्या लिखेंगे, 0, 0, 2, 6। उसके आगे क्या दे रखा है, 12, 20। नेक्स्ट इज 12 and 20। क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेवेंथ एंड एट्थ टर्म, मतलब सेवेंथ और एट्थ टर्म मुझे नहीं पता। तो लेट अस सपोज, लेट सेवेंथ टर्म बी ए एंड एट्थ टर्म बी। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया। अब जो मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है वो कहाँ है, लास्ट में ना, पीछे हैं, पीछे हैं। तो अगर पीछे की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वी विल बी यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है ना। लास्ट की वैल्यूज निकालनी है, लास्ट की वैल्यूज निकालनी है तो हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल यूज करेंगे। तो सॉरी बैकवर्ड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैकवर्ड ओवर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। नेक्स्ट क्या होगा, ए माइनस 20, फिर 20 माइनस 12 दैट इज 8, 12 माइनस 6 दैट इज 6, 6 माइनस 4 2 दैट इज 4, ठीक है ना, यहाँ 4 आएगा बीच में सेंटर में, 2 माइनस 0 2 एंड 0 माइनस 0 0। अब कांस्टेंट वैल्यूज नहीं आई तो मतलब मुझे आगे भी करना पड़ेगा, तो सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस लिया हमने, दिस माइनस दिस, तो मतलब क्या आएगा, बी माइनस ए माइनस ए माइनस 20, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस 2a प्लस 20, ठीक है। फिर दिस माइनस दिस, ए माइनस 20 माइनस 8 दैट इज ए माइनस 28, फिर क्या आएगा, 8 माइनस 6 मीन्स 2, बीच में लिखना है इन दोनों के सेंटर में, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2। अब देखो कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ गई ना, कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ रही है तो आओगे आपको पता है 0 होगा। तो लेट अस प्रोसीड दैट बैकवर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस, दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, बी माइनस 3a प्लस 48, क्योंकि 20 प्लस 28 इज 48। नेक्स्ट कम दिस माइनस दिस इज ए माइनस 30, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, कितनी बार समझ में। अब हमें पता चल गया है कि हेयर सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस आर कॉन्स्टेंट, बैकवर्ड differences are constant and
थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस आर, बैकवर्ड डिफरेंसेस आर आर जीरो. तो अगर थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस आर जीरो, मतलब a माइनस 30 भी जीरो होगा और b माइनस 3a प्लस 48 भी जीरो होगा, यही होगा ना. देयरफोर हम लिख सकते हैं, देयरफोर a माइनस 30 इज इक्वल्स टू जीरो एंड क्या आएगा कि b माइनस 3a प्लस 48 इज इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा. यहाँ आने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट कि a की वैल्यू क्या हो गई 30, और a किसकी वैल्यू थी, a इज द वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म, मतलब सेवेंथ टर्म क्या हो गई 30. अब a की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हम इसमें b की वैल्यू सबसे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो b माइनस 3 इंटू 30 प्लस 48 इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स b माइनस 90 प्लस 48 इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज b माइनस 42 इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज b इज इक्वल्स टू 42. मतलब b किसकी वैल्यू थी, एट्थ टर्म की. तो हमारे पास क्या आ गया, एट्थ टर्म इज 42, hence the result. Next comes properties of an operator. The first property is difference of a constant is zero. Constant है मतलब f of x की value कोई constant होगी, let it be c से, ठीक है. Difference लेना है ना, let it be मैं forward difference लेती हूँ. Forward difference of f of x क्या होता है, f of x plus h minus of f of x. अब जो f of x की वैल्यू c है वो कांस्टेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो चाहे आप इसमें f of x plus h भी लो, f of x plus h भी लो, वो क्या आएगी, c ही रहेगी. तो यहाँ सब्सटीट्यूट करें, यहाँ सब्सटीट्यूट करा, दैट इज c माइनस ऑफ c, दैट इज जीरो. तो मतलब अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट डिफरेंस, अगर किसी का कांस्टेंट का डिफरेंस लेना होता है तो वो क्या आ जाएगा, जीरो. दैट इज डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. अब सेम इज द केस विद, अगर आप बैकवर्ड लेना चाहते हो तो बैकवर्ड ही हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच. जब सी ही इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, चाहे आप आर्ग्यूमेंट में एक्स रखो, एक्स माइनस एच रखो, एक्स प्लस एच रखो, वो सेम ही रहेगा ना. तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी माइनस सी जीरो. तो मतलब डिफरेंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो, इज इट राइट. नेक्स्ट कम्स कॉन्स्टेंट सी एंड ऑपरेटर फॉरवर्ड आर कॉम्यूटेटिव. आपको बताना है डेल सी इज इक्वल्स, इज इक्विवेलेंट टू सी डेल. आपने लिया फॉरवर्ड डिफरेंस, अब सी, अब फॉरवर्ड डिफरेंस तो किसी फंक्शन पे ही लगेगा ना, दैट इट बी एफ ऑफ एक्स. तो अब डेफिनेशन लगाई, इंक्रीमेंटेड वैल्यू माइनस ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है. अब इसमें से सी कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, सी ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही आ गया ना, यही है. दैट इज हमारे पास क्या आ गया, वी हैव फॉरवर्ड ऑफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो जनरली अगर मुझे लिखना हो या सिमेट्रिकली, तो वी कैन राइट डेल सी इज इक्विवेलेंट टू सी डेल. इतनी बात समझ आए. नेक्स्ट कम्स द ऑपरेटर डेल इज फॉरवर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज दिस. तो आपको पहले ये कंसिडर करना पड़ेगा, फंक्शन लोगे तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस लगाओगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. तो क्या होगा, इंक्रीमेंटेड वैल्यू माइनस ऑफ दैट वैल्यू, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये आएगा पहले, फिर माइनस ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है, ये आएगा. अब इसके बाद हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स. इन दोनों को कंबाइन करेंगे और इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स. क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉरवर्ड ऑफ जी ऑफ
एक्स। तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ एफ प्लस जी इज डेल ऑफ एफ प्लस डेल ऑफ जी, इज इट राइट। नेक्स्ट कम्स, इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स देन दिस इज ट्रू। आपको ये कंसीडर करना है, तो लेट इट बी, हमने कंसीडर करा ये ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आया। अब हमें क्या पता है कि दिस ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। बाय दिस थर्ड प्रॉपर्टी से हमें पता चल रहा है कि द ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन लगा सकती हूँ, दैट इज डेल ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ बी ऑफ जी ऑफ एक्स, बिकॉज डेल इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बिकॉज डेल इज डिस्ट्रीब्यूटिव बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी सॉरी थर्ड। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ने क्या कहा था कि डेल सी इज इक्विवेलेंट टू सी डेल, तो स्केलर वाली फॉर्म भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू ए डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स, इज इट राइट, यहाँ तक आ सकता है। तो हमारे पास इसको जनरल फॉर्म में कैसे, बाय प्रॉपर्टी सेकेंड, ठीक है। तो इससे और इससे हमारे पास क्या कंक्लूड होता है कि दिस ऑपरेटर ए एफ प्लस बी जी इज इक्विवेलेंट टू ए डेल एफ प्लस बी डेल जी, इज इट राइट, इतना समझ आया। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ दो फंक्शंस लिए थे ना, हम एन फंक्शंस भी लेंगे तो भी ट्रू होगा, दैट इज इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म की फॉरवर्ड ऑपरेटर लेंगे या ऑपरेटर लेंगे एफ प्लस जी प्लस एच एंड सो ऑन, वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, डेल ऑफ एफ प्लस दिस एंड सो ऑन, इज इट राइट। Only this much for today class. If you found any doubt, you can consult me. Thank you.